स्वागत है दोस्तों तुहाडा सब दा अपने चैनल जी एस अपडेट्स ते एक होर नवीं वीडियो दे विच। सो विद्यार्थियों द्वारा मांग की जा रही सी कि शांति गैस पेपर अपलोड किया जाए। सो लैके आ चुके हैं तुहाडे सब दे लई शांति गैस पेपर 2022 सबजैक्ट इंग्लिश क्लास 10th टर्म 2 परीक्षाओं दे लई। सो पूरी वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना, पूरी जानकारी इस वीडियो दे विच दित्ती जाएगी। तो नाल ही चैनल नूं सबसक्राइब करके नाल ते घंटी बटन नूं जरूर दबा लवो, इसी तरह होर वीडियोज़ सब तो पहलां अते समय समय सिर देखने लई। सो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलो आप इस वीडियो शुरू करते हैं। सो जी हाँ दोस्तों, लैके आ चुके हैं सबसे शांति गैस पेपर। सो शांति गैस पेपर की पूरी वीडियो सूँ चैनल उपर देखने मिलती रहनगियाँ, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लवो। 3-4 पार्ट के पूरा शांति गैस पेपर कवर किया जाएगा। सो पहले तो जमात 10वीं इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर दे सकते हो टर्म 2 परीक्षाओं के लिए। तो हूँ आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपका भी सपना है नीट क्रैक करने का और आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अनकैडमी लेके आया है सभी टॉप एजुकेटर्स को अपने अनकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा अनकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को। सो अभी अनकैडमी पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर चल रहा है, अनकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आपको 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज़ में दिया जा रहा है। एंड एडिशनली अगर आप मेरा कोड GS अपडेशन यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 20% ऑफ इस पे दिया जाएगा। सो बेस्ट ऑफर है अभी तक का अनकैडमी पे, जिसमें आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 240 इफेक्टिव प्राइस पे मिल जाएगा। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेशन यूज़ करते हुए। एंड साथ में इसमें आपको लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर करने का मौका मिलेगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग होगा, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रेपरेशन होगा, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग होगी। सो ये ऑफर वैलिड है 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेशन यूज़ करते हुए। एंड साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन के आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर का आपको सपोर्ट मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आप कर पाएंगे, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए मेरा कोड GS अपडेशन यूज़ करते हुए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सैक्शन बी इंग्लिश टैक्सट बुक के 13 मार्क्स का पूछा जाएगा। आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 15-20 वर्ड्स ईच। सो लैसन 5th तो स्टार्ट करते हैं, सम ग्लिम्से ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट कॉज्ड डेस्परेशन टू द गॉड्स। आंसर, वंस देयर वॉज अ वार बिटवीन द गॉड्स एंड द डेमोन्स, द डेमोन्स वर हैविंग द अपर हैंड, इट कॉज्ड डेस्परेशन टू द गॉड्स। क्वेश्चन सेकेंड, हु डिड द गॉड्स गो टू इन डेस्परेशन। आंसर, द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु इन डेस्परेशन, दे वॉन्टेड टू नो द वे टू डिफीट द डेमोन्स। थर्ड, वॉट डिड द लॉर्ड एडवाइस। आंसर, लॉर्ड विष्णु सेड दैट दे कुड विन द वॉर इफ दे मेड अ वेपन फ्रॉम द बोन्स ऑफ सम ग्रेट सेंट, सो दे वॉन्ट टू सेंट Dadhichi and requested for his bones sent. Dadhichi at once agreed. Fourth question, what was the sacrifice of Saint Dadhichi? Answer, Lord Vishnu said that they could win the war if they made a weapon from the bones of some great saint, so they went to Saint Dadhichi and requested for his bones. Saint Dadhichi at once agreed. He laid down his life so that his bones could be made into an invisible weapon. Next, question 5th, why did some scholars laughed at Ashtavakra? Answer, Ashtavakra had a deformed body. When he entered the hall, some scholars laughed to see his body. Next, question 6th, how did Ashtavakra had a deformed body. When he entered the hall, some scholars laughed to see his body. Ashtavakra became very angry. He called the people present in the assembly skinners. Question 7th, why did Shivaji bow his head before the woman who was brought to him as a gift? Answer, once some soldiers of the army of Shivaji brought a woman to him as a gift. He bowed his head to her and called her mother, thus he acknowledged the honor
ऑफ वुमेन। क्वेश्चन 8, वाई अकॉर्डिंगली टू यू वर दी वॉर फॉर इन द महाभारत एंड रामायण सेक्रेट। आंसर, द वॉर्स इन द महाभारत एंड रामायण वर फॉर टू डिफेंड द अपहोल्ड द ह्यूमर ऑफ पावरफुल मदरहुड, देयर फोर दे आर कंसीडर्ड। क्वेश्चन 9, वट डज लॉर्ड रामास मीटिंग विद द बील वुमेन एंड ईटिंग द टेस्टेड बैरियर्स शो। आंसर, इन द रामायण लॉर्ड रामा एट द टेस्टेड बैरियर्स ऑफ लो कास्ट वुमेन। दिस शोज डेट इन एंशियंट इंडिया देर वॉज नेवर एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन इन एंशियंट इंडिया। सो इसी टुडे लैसन 5th के इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने आंसर। नैक्सट अपने को आ जाता है लैसन 6th, द होम कमिंग। क्वेश्चन 1st, हु वॉज फाटिक। आंसर, फाटिक वॉज अ बॉय ऑफ 14, ही वॉज वेरी मिसचीवियस, ही वॉज द रिंग टीचर ऑफ द विलेज बॉयज। क्वेश्चन 2nd, वॉट वॉज द न्यू मिसचीफ ही थॉट ऑफ। आंसर, वन डे फाटिक थॉट ऑफ अ न्यू मिसचीफ, देयर वॉज अ लॉग ऑफ ऑन द बुक ऑफ द रिवर, ही सुजेस्टेड डेट द बॉय शुड रोल इट अवे इन द मड ऑफ द रिवर बैंक, इन दिस वे ही वॉन्टेड टू अनॉय द ओनर एंड इंजॉय द फन। क्वेश्चन 3rd, वाई वर फाटिक एंड हिज फ्रेंड्स अनॉयड विद मक्खन। आंसर, फाटिक एंड द बॉयज वॉन्टेड टू रोल द लॉग अवे इन द मड ऑफ द रिवर बैंक, बट बिफोर द बॉयज कुड रोल इट, फाटिक्स यंगर ब्रदर मक्खन केम एंड सेट ऑन द लॉग। फाटिक केम एंग्री एंड ऑर्डर टू हिम टू गेट ऑफ द लॉग। क्वेश्चन 4th, वट वॉज फाटिक्स न्यू मैनोवर। आंसर, फाटिक थॉट ऑफ अ न्यू मिस्चीफ, फाटिक सुजेस्टेड डेट दे शुड रोल द लॉग अलोंग विद मक्खन, दे रोल्ड इट एंड मक्खन फेल इन द मड, ही गॉट अप किक्ड फाटिक एंड देन वेंट टू होम क्राइंग। क्वेश्चन 5th, वॉज मक्खन स्पीकिंग द ट्रुथ। आंसर, नो, मक्खन वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ, फाटिक हैड नॉट बीटन हिम, ऑन द अदर हैंड इट वॉज मक्खन हु हैड बीटन फाटिक, ही हैड स्ट्रेच्ड हिज फेस एंड किक्ड हिम। क्वेश्चन 6th, हाउ वॉज फाटिक रिसीव्ड बाई हिज आंट। आंसर, फाटिक्स अंकल टुक हिम टू हिज होम इन कैलकाता, बट फाटिक्स आंट वॉज नॉट हैप्पी टू सी हिम, शी हैड 3 बॉयज ऑफ हर ओन, शी बिकेम वेरी अपसेट एट द कमिंग ऑफ फाटिक। क्वेश्चन 7th, वाई कूडंट ही डू वेल एट स्कूल। आंसर, एट स्कूल फाटिक वॉज अ बैकवर्ड बॉय, हिज स्कूल फेलोज डिड नॉट मिक्स अप विद द विलेज बॉय, he was slow at studies also, his cousin hated him. Question 8th, what was the immediate reason for Fatik's departure from the uncle's house? Answer, on day coming from the school he had headache and a shivering fit, Fatik thought that he was going to an attack of malaria, he feared that he would become a great nuisance to his aunt, so he did not go home, he tried to run away. Question 9th, why did Bishambhar send for his sister? Answer, Fatik had a high fever, Bishambhar called the doctor, but Fatik's condition was very bad, the doctor told him that his condition had become very critical, so Bishambhar called for his sister, that is Fatik's mother. Question 10th, what were Fatik's last word? Answer, Fatik opened his eyes, but now he did not recognize anyone. Fatik's last words were, "Mother, the holidays have come." With these words, he died. Next, lesson 7th, the making of the earth. So, question 1st, what are planets? Answer, planets are the bodies which goes around a star. For example, the sun is a star and the earth goes around the sun, so the earth is a planet. Next, define solar system. The solar system means the family of the sun. It includes the sun, its planets and the satellites of these planets. The earth is one of them which goes around the sun. Question 3rd, how can you distinguish between planet and stars?
आंसर, द स्टार्स ट्विंकल बट द प्लैनेट्स डू नॉट। द प्लैनेट्स हैव देयर ओन लाइट, दे शाइन बिकॉज द लाइट ऑफ द सन्स फॉल ऑन देम, बट द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, द स्टार्स आर लाइक द स्टार, दे आर बॉल ऑफ फायर, दे आर हॉट एंड बर्निंग, दे आर वेरी फार अवे एंड देयर लाइट कम्स फ्रॉम अवे, सो दे सीम्स टू बी ट्विंकलिंग। नेक्स्ट, हाउ वॉज अर्थ फॉर्म्ड। आंसर, इन द बिगिनिंग देयर वॉज ओनली द सन, वन डे अ पार्ट ऑफ सन शॉट आउट, आफ्टर लॉन्ग टाइम इट बिकेम कूल, इन द वे द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। सो इसी टुडे चैप्टर 7th नाल संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो कि बेहद जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 8th, द रूल ऑफ द रोड। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई वॉज द स्टाउट लेडी वॉकिंग डाउन द मिडल ऑफ रोड। आंसर, द स्टाउट ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग डाउन इन द मिडल ऑफ अ रोड इन पेट्रोग्रेड। समवन सेड दैट शी शुड वॉक ऑन द पेवमेंट, बट शी रिफ्यूज्ड टू डू सो। शी सेड दैट शी वॉज एट लिबर्टी टू वॉक वेयर शी लाइक्ड। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ वॉज शी मिस्टेकन अबाउट लिबर्टी। आंसर, शी थॉट दैट शी हैड लिबर्टी टू वॉक वेयर शी लाइक्ड, बट शी डिड नॉट नो दैट द वॉकिंग डाउन द मिडल ऑफ द रोड शी वॉज कॉजिंग अ ग्रेट कन्फ्यूजन एंड देयर वुड बी चाउस एवरीवेयर। नेक्स्ट, थर्ड, वट डज द पुलिसमैन एंड पिकेडिली सर्कस सिंबलाइज। आंसर, द पुलिसमैन एंड पिकेडिली सर्कस इज नॉट अ सिंबल ऑफ टायरेनी, दे सिंबलाइज दिस लिबर्टी। क्वेश्चन फोर्थ, कैन वी डू वट एवर वी लाइक डूइंग। आंसर, नो वी कैन नॉट डू वट एवर वी फील लाइक डूइंग, लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, इफ एवरी वन स्टार्ट्स डूइंग वट ही लाइक्स देयर विल बी चाउस इन द वर्ल्ड, देयर विल बी नो पीस। क्वेश्चन फिफ्थ, वट वॉज द इंट्रूडिंग पैसेंजर टॉकिंग ऑफ। आंसर, अ पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट डिस्टर्ब दैट राइटर, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, ही वॉज टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग अंडर द सन। नोट, प्रश्न नंबर 2 6 अंक का होगा, इंग्लिश रीडर के पाठ्यों के 5 प्रश्न पेपर में आएंगे, जिसमें से 3 प्रश्न करने होंगे, गेस्ट पेपर वाले प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें। सो जी हाँ फ्रेंड्स, ये सी थोड़े सब लई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो उम्मीद करना हूँ पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। सो इस तरह सैकेंड पार्ट के अगे होर चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो घंटी बटन जरूर दबा लवो। मिलते हैं नेक्स्ट तक, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।